यशोमति मैया के नंदलाला। बड़ी तीव्र गति से सीख रहे हो तुम, कहीं जाने की शीघ्रता है क्या? मेरी प्यारी मैया सिखाए, मैं ना सीख पाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए तो कहते हैं मैया संतान की पहली गुरु होती है। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। कैसे गुरु को सबसे शिष्य का प्रणाम। बहुत चाटुकारिता चल रही है, क्या चाहिए तुझे? लड्डू कैसे गैया? आज बल से बछड़ों को कैसे देखने जानू है, कैसे जाने दो ना माँ से मैया, बनने दो ना मुझे ऐसे गोपालक। ना से ना, सौ से संभावना ही ना है। भैया मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और गोचारण भी कर लूंगा। और तुझे गोपालक क्यों बननू है? ये तो मेरे जन्म लेने का उद्देश्य है भैया। तुझे पता भी है गोपालक बनने का अर्थ? हाँ मैया, बालक का अर्थ होता है रक्षा करने वालों और गो का अर्थ होता है गैया। गो का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है, इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ ज्ञान की रक्षा करने वाला। इसीलिए गोपालक का एक और अर्थ है बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाला, और अंत में गौ का अर्थ मुक्ति भी होता है मैया। इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ जो समाज को मुक्ति पाने में सहायता करे, यही है गोपालक के अलग अलग अर्थ। तुझे इतनी सारी ज्ञान की बातें कैसे जानते हो लल्ला? किसने सिखाओ तुझे? आप किसे सिखाने चलिए, जे तो हम सबको सिखा देगो। आप सब मुझसे सीख पाओगी कि ना ये तो पता ना है मुझे, पर गैया को अवश्य पढ़ा दूंगा। मेरा अर्थ है कि गोकुल में जन्म हुआ है, बछड़ों के बीच पलू हूँ, भूख नरेश का लल्ला होके भी यदि मैं गोचारण करने ना जाऊंगा तो आप सोचो क्या बोलेंगे साहब? गोपालक बनूंगा तभी तो गोपालकों का मुखिया बन पाऊंगा, इसके बाद ही बन पाऊंगा वृंदावन का गोप नरेश। मेरे भविष्य का प्रश्न है मैया। तुझे मेरे उत्तराधिकारी बनने में अभी समय है काना, पर बात इसने उचित कही। पर देखो तो सही कितना छोटा है अभी। अरे तो क्या हुआ, मेरे बाबा ने तो मुझे गैयाओं को चराने के लिए जब मैं इससे भी छोटा था तब भेज दियो था। एक सच्चे गौपालक का रक्त दौड़ता है इसमें। अरे मेरी प्यारी मैया, मेरी अच्छी मैया मान भी जाओ ना। इतनी सरलता से ना मानने वाली हूँ मैं, पहले इसे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, फिर इसे जे सिद्ध करना पड़ेगा कि जे गैयाओं की और उनके बछड़ों की देखभाल कर सकते है। वो तो मैं आसानी से कर दूंगा। अभी ले लो आप मेरी परीक्षा। आज तो गैयाओं को हम भी नियंत्रित ना कर पाए, तू कैसे नियंत्रित करेगा? आज तो भोजन भी ना करो उन्होंने। तो बस मैया, अब मेरा सामान देखो आप,
तू चाहे जितनी भी कुशलता दिखा ले काना, मैं तुझे गौचारण के लिए वन जाने की आज्ञा तभी दूंगी जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊं। हाँ नहीं तो। सुंदीप, क्या कह रही है मैया? यदि तुम सब चाहती हो मैं तुम्हारा गोपालक बनूं तो मनमानी मत करना, समझ आई गौरी? श्यामा, पूरी मानोगी ना मेरी बात? समय क्यों नष्ट कर रहे हो काना? मैं तो इन सब से बात कर रहा हूँ दाऊ, संबंध बना रहा हूँ इनके साथ, नाता जुड़ेगो तभी तो बात सुनेगी मेरी, है ना? बस बस बस, अब चिंता मत ही करो, मैं अपने हाथों से चारा तैयार करके खिलाऊंगा। मैंने तो पहले ही सारी तैयारी कर रखी है खाना, ये देखो। क्षमा करना दाऊ, इसमें गुड़ अधिक है। जल कछु कम लग रो है। ये तो सही कह रहे हो, इस पे तो मेरा ध्यान ही ना गया हो। इसमें गुड़ तनिक कम है। मुझे पता है दाऊ। श्री कृष्णा गोविंदा हरे हरे, श्री कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी, श्री कृष्णा। हम सबने प्रयास कर लिया है गाना, तुम देखना नहीं खाएगी। आप किस बात की प्रतीक्षा है? अब तो मैं आ गया हूँ ना तुम सबकी सेवा करने, चलो अब खाओ। अब ना तो मुझे गोपालक बनने की आज्ञा ना मिलेगी, फिर भूल जाना मुझे। अब तुम ही निर्णय कर लो कि क्या करना है। मुझसे सेवा करवा के मुझे अपना स्नेह देना है या नहीं। अब तो मानोगे आप सब कि ये गैयाएं भी चाहती है मैं इनका गोपालक बनूं। यशोदा, तेरा काना तो पहले से ही निपुण है इस कार्य में। हेलो काना, ये सब तो तुमने अपने बाबा को नित्य करते देख कर ही सीख ली होगो, परंतु असली परीक्षा तभी शेष है। संभालना बहुत कठिन है काना। काना, यदि इसे स्नान करा पाओगे तब जाकर असली गोपालक कहलाने का अधिकार पाओगे। पर भैया, जे बछड़ा अनगुत पाती लग रहा है,
कहीं भूल से इसकी दुलत्ती कान्हा को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी मत खटू। पाप करने वाले को संभालना आतो है मुझे। लला संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही 4 बार प्रयास कर चुका हूँ पाना, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में क्या कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। आना, ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। आना बता ना, इसे कैसे संभाला तूने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। और तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि फेम इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गया, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो, इतने से भी ना मानो। ओ? मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी, अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगू? हाँ हाँ काना, 100% बहुत अच्छे। बाबा बाबा, आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल होगू ना? तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकते हो ना? ना काना, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ। अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब गैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है, और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है, आप ही ने तो सिखाया है। स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो आप इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ। गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये? सबसे अधिक? ना मैया ना। अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गौ मैया से करता हूँ। मैया आपका स्थान कोई ले सकते है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियां, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ बोलो मुखपते,
ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। गोपालक काना की, गोपालक काना की, गोपालक राजकुमार कृष्ण की, गोपालक यशोमती मैया के नंदलाला की। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी माँ से है। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने, कितनी कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह, अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। ए मूर्ख, हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो, और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा, बछड़ा, उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ, और बोल, और बोल, कितनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचरण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल, और बोल, और तूने क्या देखा, क्या देखा, गले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौचारण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब बोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो यशोदा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली काना ने, अपना दायित्व तो निभाना सीख रहे है काना। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। मैया, मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। किस्ता से आना है मेरा लल्ला। मैया, मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूं, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगा ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लगता है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल भी चुके हैं।